माताओं को इतना सीधापन है, इतना भोलापन है। और कहीं तुमने ये बात कह दी कि बात बहुत गुप्त है, ये तो बताना ही मत, अब समझ लो कि वो तो बात छिपेगी ही नहीं। आपको अर्जेंट में जल्दी में कोई फंक्शन करना है और प्रचार के लिए टाइम रहा नहीं है, तो बस माताओं को बोल दो आप, प्रचार हो गया, आप चिंता ही ना करो, सब जगह बात पहुंच जाएगी, खूब प्रचार हो जाएगा। हमारी माताएं बड़ी सहज हैं। तो अब कौन सी बात बतावे कौन सी ना बतावे ये और सुन लीजिएगा, नहीं तो मीडिया वालों के हाथ मेरी बात पड़ गई ना तो बड़ी फिर दिक्कत होगी कि कैसी बात कर रहे हैं कि स्त्री को बात ना बताओ। तो मैं बताए देता हूं कि कौन सी बात बतानी है कौन सी नहीं बतानी है। अब पहले बताने वाली बताऊं कि ना बताने वाली बताऊं, कौन सी बताऊं? कुछ बातें ऐसी हैं जो घरवाली को बताइए और कुछ बातें ऐसी हैं जो घरवाली को बिल्कुल मत बताइए। बताना क्या है? आपको कोई बीमारी है तो घरवाली को बताइए, आपके दुश्मन बड़े हैं तो घरवाली को बताइए, आपके ऊपर कर्जा लदा है तो घरवाली को बताइए, आप बीमार हैं तो घरवाली को बताइए, जरूर बताइए। ऋण बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है, घरवाली को बिल्कुल बताइए, वह बिल्कुल आपका सहयोग करेगी। और बताना क्या नहीं है वो आप सुन लीजिए। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर रहते हैं, दो चार दिन में तुम मिलने को जाते हो, घरवाली को मत बताइए, छिप छिप करके उसे पैसा दे के आ जाते हो मम्मी पापा को, ये भी घरवाली को मत बताइए। बड़े भैया या छोटे भैया की बिटिया की शादी है और उसमें आप सहयोग करने के लिए जा रहे हैं और आपने सहयोग कर दिया है तो ये भी घरवाली को बिल्कुल भी मत बताइए। तालियां मरी मराई बजी है तो एक बात और सुन लो, ससुराल में अपमान हो गया है तो यह भी घरवाली को मत बताइए, ये नहीं बताइए। भगवान शंकर का अपमान हुआ था, दक्ष ने किया, कहां बताया था उन्होंने, बताए। कुछ बातें बताने को हैं, कुछ बातें छिपाने को हैं। तो मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी ही भाषा हो जिसमें राम का नाम हो, राम मीन्स सत्य, भाषा ऐसी हो जिसमें सत्यता, और सत्य बड़ा मीठा होता है। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, दुनिया कहे हम नहीं मानेंगे, कोई कहे कि चीनी कड़वी होती है, चीनी का शरबत कड़वा होता है, कैसे हो जाएगा भैया, नमक डाल दोगे तो कड़वा होगा, चीनी कड़वी कैसे हो जाएगी? सत्य सत्य है, सत्य कभी कड़वा होता नहीं, जो उसमें कुछ स्वार्थ की चीजें डाल देते हैं, बेमनुष्यता का नमक डाल देते हैं, ईर्ष्या का नमक डाल देते हैं तो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है, नहीं तो सत्य तो शहद से भी मीठा होता है भाई। गावहि सुंदर मंगल गीता ले लेना राम सीता को निकावर चले कहा। कमाल की बात है, मैंने इतनी दूर जाकर के चौपाई बोली वो भी तुमने पकड़ ली। कोटि निकावर दोहा नंबर 299 के नीचे है, दूसरी तीसरी चौथी चौपाई होगी। कोटि निकावर चले कहा विविध वस्तु को वर्णन।